बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं हुमायूं का मकबरा। फ्रेंड्स, ये हमारे पीछे हुमायूं का मकबरा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हुमायूं का मकबरा। तो चलिए चलते हैं अंदर और अंदर के व्यू को देखते हैं, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और इसके फर्स्ट फ्लोर पर भी चलेंगे। और ये यहाँ पीछे इसका एंट्री गेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पीछे एंट्री गेट है। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का व्यू है, यहाँ पे इतना बड़ा गार्डन है और आप देख सकते हैं पीछे। तो चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, ये है हुमायूं मकबरा का एंट्री गेट। और यहाँ पे हम यहाँ पे टिकट लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं लाइन लगी है टिकट लेने के लिए, उसके बाद फिर वहाँ से एंट्री होगी। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने टिकट ले लिया है और हमारा टिकट पड़ा है 40 रुपये का। और यहाँ पे 14 साल से कम के बच्चों के लिए यहाँ पे एंट्री फ्री है, मतलब उन्हें कोई यहाँ पे टिकट नहीं लगता है। तो और यहाँ पे जो फॉरेन कंट्री के टूरिस्ट आते हैं उनके लिए पर पर्सन के लिए यहाँ पे 600 रुपये का टिकट मिल रहा था। तो हमने टिकट ले लिया और चलते हैं अंदर। ये है ईसा खान का मकबरा और गार्डन। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है ईसा खान का मकबरा, और जो उस साइड में है वो है ईसा खान का बगीचा। तो सबसे पहले चलते हैं मकबरे में। यह है ईसा खान का मकबरा, चलते हैं मकबरे के पास। तो ये है फाइनली ये ईसा खान का मकबरा। यहाँ पे 6 मकबरे दिख रहे हैं, इनमें से ईसा खान का मकबरा ये बीच वाला है, जो बड़ा वाला है। अब चलते हैं हम लोग ईसा खान के गार्डन की तरफ। यह है ईसा खान का बगीचा और यहाँ पर एक कुआं भी है, चलिए इस कुओं को भी देखेंगे। सो गाइज, ये है वो कुआं, और ये कुआं में थोड़ा सा पानी है और ये ऊपर इस तरह जाली से बंद है। अब चलते हैं हम लोग हुमायूं के मकबरे की तरफ। ये हुमायूं के मकबरे की तरफ जाने का ये रास्ता है, तो चलिए चलते हैं।
ये है हुमायूं के मकबरे का 3D मैप। यहाँ पे पूरा मेंशन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है और ईशा खां का मकबरा और उनका बगीचा कहाँ है। ये है वो मैप और इसमें पूरा हुमायूं के मकबरे का पूरा 3D मैप है। और यहाँ दूसरी तरफ हुमायूं के बारे में जो बुक्स लिखी गई हैं वहाँ पे यहाँ पे रखी हुई हैं और कुछ पुराने स्टोन्स हैं और मेटल्स हैं यहाँ पे जो यहाँ पे सुरक्षित इसके अंदर बंद है, यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रीन ब्लू और कुछ प्रकार के कुछ मेटल्स और स्टोन्स हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हुमायूं के मकबरा। ये हुमायूं का मकबरा और ये उनका किला है और इनके अंदर है उनका कब्र। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। चलते हैं अंदर। तो ये गाइस ये है इसका फर्स्ट फ्लोर और हम हैं ऊपर और अभी हम थे यहाँ नीचे, नीचे से ऊपर आए हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर है बादशाह हुमायूं का कब्र। तो बादशाह हुमायूं के कब्र के पास और देखते हैं उसके अंदर और क्या क्या है। और इनके साइड में यहाँ पे एक दरवाज़ा है, इधर भी किसी का कब्र है, इधर भी किसी का कब्र है। ये इनका जिस प्रकार का यहाँ का स्ट्रक्चर दिखता है।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जूते निकाल लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं। चलिए हमने जूते निकाल लिया, अब चलते हैं अंदर। तो गाइस ये है हुमायूं का मकबरा, जैसा कि आप देख सकते हैं, और हम हुमायूं के मकबरे के महल के अंदर हैं, और ये है अंदर। सब टाइम हो गया है मकबरे का बंद होने का, अब ये गेट बंद होने वाला है, इसलिए देखिए सभी लोग दौड़ के आ रहे हैं, गेट बंद होने वाला है, लास्ट चांस है देखने के लिए। तो हे गाइस, अब हम लोग वापस जा रहे हैं हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन, अब फिर वहाँ से हम जाएंगे इसको चौक अपने घर के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये ब्लॉग खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड गुड लक।